नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू द ग्रामर एकेडमी। दोस्तों, आज का वीडियो हिंदी में होने वाला है ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, आज हम एक नए नोटिफिकेशन के साथ हाजिर हुए हैं। यह नोटिफिकेशन आया है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की तरफ से, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके अंडर आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस इन नोटिफिकेशन के रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस एंड इंफॉर्मेशंस। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको ये बता दूँ कि ये एक रेसिडेंशियल स्कूल है जो कि ट्राइबल सेंट्रिक है, ठीक है। और चलिए, इसका जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो आपका शुरू हो चुका है और 31 जुलाई तक ये एप्लीकेशन का प्रोसेस आपका चलेगा, ठीक है। 31 जुलाई आपका लास्ट डेट होगा। और कुछ जो 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 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन आया है, चलिए देख लेते हैं। पहले तो कि प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आया है, उसके बाद पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, देन कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए आया है, ठीक है। और टोटल जो वैकेंसी है वो करीब 4 4 हज़ार से कुछ ज़्यादा है। तो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आपको 2,000 रुपये का एक एग्ज़ाम का फी भरना पड़ेगा, पीजीटी पोस्ट के लिए 1,500 और नॉन टीचिंग स्टाफ पोस्ट के लिए 1,000 रुपये का एग्ज़ाम फी आपको देना होगा। और एग्ज़ाम के रिलेटेड और जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको टाइम टू टाइम NESTS की वेबसाइट में आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। और टीचिंग स्टाफ्स के लिए जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होगा वो 180 मिनट का होगा, यानी कि 3 घंटे, और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 150 मिनट का होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। चलिए वैकेंसीज की एक ब्रेकअप देख लेते हैं। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आपका 303 वैकेंसी है, पीजीटी पोस्ट के लिए 2,266 वैकेंसीज, अकाउंटेंट पोस्ट के लिए 361, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और JSA इस पोस्ट के लिए 759, लैब अटेंडेंट के लिए 373। टोटल हो गया आपका 4,062, टोटल 4,062 वैकेंसीज रिपोर्टेड हुआ है, ठीक है। अब जो प्रिंसिपल का पोस्ट है वो एक ग्रुप ए का पोस्ट है, ठीक है। वैकेंसीज का ब्रेक आप यहाँ से थोड़ा देख लीजिए वीडियो को पॉज करके। और पीजीटी पोस्ट जो है वो ग्रुप बी का एक पोस्ट है और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये वैकेंसी आए हैं पीजीटी के। तो आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा जो वैकेंसीज का ब्रेकअप है वो थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। और जो थर्ड लैंग्वेज है वो इस लैंग्वेज में टेस्ट लिया जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका टीचिंग पोस्ट के लिए, नॉन टीचिंग वाले के लिए नहीं। चलिए, नॉन टीचिंग जो पोस्ट है उसका जो वैकेंसीज का ब्रेक है आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके ये देख लीजिए, ठीक है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट में 759, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ और इन्फॉर्मेशंस देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। हाँ, आपका जो पे लेवल होगा प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, आपका पे मैट्रिक्स लेवल 12 होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। इसका मतलब आपका जो बेसिक होगा वो 78,800 से शुरू होगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और पीजीटी इस पोस्ट के लिए आपका जो पे मैट्रिक्स रहेगा वो लेवल 8 रहेगा। इसका मतलब आपका जो बेसिक स्टार्ट होगा वो 47,600 से होगा। करीब करीब आपका स्टार्टिंग सैलरी 60 से 70 हज़ार के बीच में होगा सॉरी। अकाउंटेंट पोस्ट के लिए आपका लेवल 6 में एंट्री होगा, मतलब आपका बेसिक होगा 35,400, आपका सैलरी होगा 50 से 60 हज़ार के बीच। JSA पोस्ट के लिए जो आपका पे मैट्रिक्स रहेगा वो लेवल 2 रहेगा, 19,900 का बेसिक रहेगा, आपका स्टार्टिंग सैलरी 30,000 से थोड़ा ज़्यादा होगा। और लैब अटेंडेंट पोस्ट के लिए भी आपका जो पे मैट्रिक्स रहेगा वो लेवल 1 रहेगा, आपका बेसिक होगा 18,000 और आपका इन हैंड स्टार्टिंग होगा 30,000 से थोड़ा ज्यादा। चलिए, आपका जो मोड ऑफ एग्जाम होगा वो पेन एंड पेपर मोड में होगा,
पोएमआर में ऑब्जेक्टिव टाइप एक टेस्ट लिया जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपका एक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरव्यू वगैरह जो आपका प्रोसेस रहता है वो होगा। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं, अलग से पोस्ट के लिए अलग अलग क्या क्या टेस्ट रखा गया है। तो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए पहले देखते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप का एक एग्जाम होगा वो 130 मार्क का होगा, और उसके बाद एक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, ठीक है। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में आपको होगा 20 मार्क्स, ठीक है। और उसके बाद एक पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाएगा, उसमें आपका 40 मार्क्स होगा, ठीक है ना। तो एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है उसमें क्या क्या कंपोनेंट और क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा वो देख लेते हैं डिफरेंट पार्ट्स में। पार्ट वन में आपका रहेगा रीजनिंग और न्यूमेरिक एबिलिटी, जिसमें 10 क्वेश्चंस रहेगा 10 मार्क्स के। पार्ट टू में आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स के। पार्ट थ्री में आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट लिया जाएगा, जहाँ जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के 10-10 मार्क्स करके अलग से मार्क्स अलॉटेड रहेगा। टोटल 20 मार्क का ये एग्जाम आपका होगा। यहाँ जनरली जो रहता है आपका एक पैसेज रहता है जिसको आपको ट्रांसलेट करना होता है। अगर इंग्लिश में जो टेस्ट होगा वहाँ इंग्लिश से आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा, और हिंदी में जो पैसेज रहेगा उसको आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, ठीक है। पार्ट फोर में आपका रहेगा एकेडमिक्स एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट्स, ठीक है। जो आपका इसका डिटेल्ड वेबसाइट सॉरी डिटेल जो सिलेबस है वो आपको NESTS वेबसाइट से मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ आपका 50 मार्क का अलॉटमेंट रहेगा। पार्ट फाइव में आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनेंस के ऊपर एक पेपर रहेगा, उसमें आपको 50 मार्क्स का एक पेपर रहेगा, ठीक है। टोटल आपको 3 घंटे की टाइम दिया जाएगा इस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। टोटल 150 मार्क्स का ये टेस्ट होगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप ये क्लियर कर लिए तो आपका एक इंटरव्यू लिया जाएगा, वो जो 40 मार्क का होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ आपको बता दो कि अगर आप ये लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में फेल हो गए, ठीक है, अगर आप इस LCT लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में आप फेल हो गए तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर होगा वो भी चेक नहीं किया जाएगा और आपको डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए PGT एग्जाम के लिए जो एग्जाम का प्रोसेस है वो देख लेते हैं। 130 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, और LCT 20 मार्क्स का। पार्ट वन में आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा 10 मार्क्स का। पार्ट टू में रीजनिंग एबिलिटी 20 मार्क्स का। पार्ट थ्री में ICT का नॉलेज टेस्ट किया जाएगा आपका, जो जिस जिसमें 10 मार्क रहेगा। पार्ट फोर में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाएगा, जहाँ 10 मार्क रहेगा। पार्ट फाइव में आपका डोमेन नॉलेज चेक किया जाएगा, ठीक है। जो इसका एक स्पेसिफिक सिलेबस है वो आपको NESTS वेबसाइट में मिल जाएगा, ठीक है। जो आपको थोड़ी देर बाद आपको ये दिखा देंगे कि आपको कहाँ जाना है, गूगल में क्या टाइप करना है, कौन सी वेबसाइट में जाना है, ठीक है, कैसे इसको फाइंड करना है, आपको थोड़ी देर बाद दिखा देंगे इस वीडियो को। उसके लिए आपको एंड तक देखना होगा। एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, ये भी आपका टेस्ट किया जाएगा। नेशनल एजुकेशन प्लान 2020 जो आया था उसमें भी उसका भी आपका नॉलेज होना चाहिए, जो आपका टेस्ट किया जाएगा। तो इसका जो मार्क्स का ब्रेकेज है उसको देख लेते हैं। 70 मार्क का आपका जो सिलेबस सॉरी आपका जो सब्जेक्ट है उसमें डोमेन नॉलेज में 70 मार्क होगा, ठीक है। एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में 5 मार्क्स होगा, और NEP 2020 इसमें इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें 5 मार्क होगा। टोटल 80 मार्क्स आपको यहाँ अलॉट किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 130 मार्क्स। और पार्ट सिक्स में आपका होगा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, ठीक है। यहाँ आप देखिए थोड़ा, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, सेम एज फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। ये आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा। यहाँ आपको मिनिमम 40% मार्क्स स्कोर करना होगा, अदरवाइज आपको डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, मैं
थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ आपको कि आप लोगों को कि अगर आपने पार्ट 6 आपका अगर आप फेल होते हैं पार्ट 6 में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में, तो आपका जो पार्ट 1 टू 5 का पेपर है वो आपका चेक नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अकाउंटेंट पोस्ट के लिए आपका एक 130 मार्क का एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ भी आपको वही रीजनिंग एबिलिटी पार्ट 1 में 20 20 मार्क्स होगा, पार्ट 2 में क्वांट होगा 30 मार्क्स का, पार्ट 3 में आपका LCT होगा वही सेम जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10 मार्क्स ईच, पार्ट 4 में आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर टेस्ट किया जाएगा, कंप्यूटर ऑपरेशन, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, ये सब मिलके टोटल 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। तो टोटल जो टाइम होगा आपका 2 घंटे 30 मिनट, 2.5 आवर्स का एक टाइम आपको दिया जाएगा इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। पार्ट 5 में आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है, आपका जो अकाउंटेंट पोस्ट के लिए आपको अकाउंटेंसी में नॉलेज होना चाहिए, आपको जो सब्जेक्ट है, जो आपका डोमेन नॉलेज है, वो आपका चेक किया जाएगा, यहाँ 40 मार्क अलॉट किया जाएगा, टोटल हो गया 130 मार्क। अब JSA जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इस पोस्ट के लिए भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एक टेस्ट लिया जाएगा 130 मार्क का। जो सिलेबस है मोर और लेस वो सेम ही है, पार्ट 5 में आपका जो बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर ऑपरेशन के वो आपका टेस्ट किया जाएगा, यहाँ भी आपको 2 घंटे 30 मिनट, 2.5 घंटे की आपका टाइम अलॉट किया जाएगा पूरे पेपर को कंप्लीट करने के लिए। अब इस पोस्ट के लिए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, यहाँ स्टेज 2 में आपका एक टाइपराइटिंग टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। यह आपका एक जो PC होता है पर्सनल कंप्यूटर, उसमें ही आपका एसेस किया जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका 50 मार्क्स का पासिंग मार्क हो सॉरी आपका 50 मार्क्स का एक टोटल टेस्ट होगा टाइपराइटिंग, पास मार्क्स होगा आपका 20, ओके। दिस पार्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, आप देख सकते हैं ये पार्ट भी आपका क्वालिफाइंग है, ठीक है। कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन द मेरिट शैल बी कॉल्ड फॉर स्टेज 2, मेरिट बेस्ड और इसका मतलब है आपका जो मेरिट वाइज जो आपका रैंक होगा उसी के हिसाब से आपको इस टेस्ट में कॉल किया जाएगा, ठीक है। टाइपराइटिंग टेस्ट इन द रेशियो ऑफ 1:3, इसका मतलब हर एक 3 कैंडिडेट में 1 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा फाइनली, ठीक है। चलिए, लैब अटेंडेंट पोस्ट के लिए 120 मार्क का एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, जहाँ रीजनिंग एबिलिटी रहेगा पार्ट 1 पे 15 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस रहेगा पार्ट 2 में 15 मार्क्स का, LCT रहेगा, यहाँ LCT में आपको ईच पार्ट में मतलब जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी में 15 मार्क अलॉट किया गया है, तो 15 प्लस 15 हो गया 30 मार्क का आपका पेपर। पार्ट 4 में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक आप लैब अटेंडेंट पोस्ट में जा रहे हैं तो उस लैब रिलेटेड कुछ जो स्पेसिफिक नॉलेज होता है वो आपका टेस्ट किया जाएगा, यहाँ होगा आपका 60 मार्क, तो टोटल हो गया आपका 120, समय टाइम रहेगा आपका 2.5 घंटे, 2 घंटे 30 मिनट, ठीक है। चलिए, नेगेटिव मार्किंग की बात कर ले, आपका नेगेटिव मार्किंग होगा 0.25, इसका मतलब आप एक रॉन्ग आंसर के लिए आपको 0.25 मार्क्स कट किया जाएगा, डिडक्ट होगा आपका टोटल मार्क्स से, 4 क्वेश्चन अगर आपका गलत निकले तो 1 मार्क आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, आपका जो टोटल सिलेबस है एग्जाम का वो आपका इस वेबसाइट में मिल जाएगा, ठीक है ना। ये जो emrs.tribal.gov.in इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अपेंडिक्स 1 करके वहाँ एक टैब होगा, आप लोग देखिएगा, ठीक है। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे उस वेबसाइट को, थोड़ा बने रहिए वीडियो में। चलिए, कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, 1 मिनट दीजिए। जी, आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए और जो क्वालिफिकेशन रहना चाहिए, ये पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है सबके लिए। चलिए देख लेते हैं, प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आपका जो एज वो 50 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और SC ST OBC कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनको जैसे जैसे रिलैक्सेशन मिलते हैं एज रिगार्डिंग, वो आपको मिलेगा
यानी कि ओबीसी होने से आपको 3 साल, एससी होने से आपको 5 साल, ठीक है, ऐसे जो मिलते हैं आपको रिलैक्सेशन वो आपको मिलेगा, ठीक है। और जो लोग ईएमआरएस में ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ है उनको उनको 5 साल ज़्यादा आपका लिमिट मिलेगा एज का। इसका मतलब वो लोग 55 साल तक अगर होते हैं उनका एज, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहना क्या क्या रहना चाहिए, चलिए देख लेते हैं। आपको आपका एक मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, ठीक है, एक पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स डिग्री होना चाहिए और बीएड डिग्री होना चाहिए, ठीक है। आपका 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वाइस प्रिंसिपल और पीजीटी और टीजीटी, और कंबाइंड, मतलब वाइस प्रिंसिपल पीजीटी टीजीटी, अगर आप पहले पीजीटी थे फिर कहीं वाइस प्रिंसिपल थे, ऐसे कंबाइंड भी अगर हो तो भी चलेगा, पर टोटल आपका जो कंबाइंड एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 12 साल का होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका कंबाइंड एक्सपीरियंस रहेगा तो मिनिमम 4 साल का आपका पीजीटी का एक्सपीरियंस रहना होगा। और आपका कुछ डिजायरेबल भी क्वालिफिकेशन सॉरी एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो वो आप यहाँ वीडियो पॉज करके देख लीजिए। पीजीटी के लिए आपका एज 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो जो आपका एज रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेगा अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आपका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए पीजीटी के लिए वो आपको मास्टर्स डिग्री रहना चाहिए अपने 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 खुद सब्जेक्ट्स में, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रहना चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से, ठीक है। उसके साथ आपका देखिए, कैंडिडेट्स पॉसेसिंग मास्टर्स डिग्री विद स्पेशलाइजेशन इन सब्जेक्ट्स एज मेंशन्ड अबव विल ओनली बी कंसिडर्ड एज एलिजिबल, ठीक है। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो ही आपको एलिजिबल माना जाएगा, उसके साथ बीएड डिग्री भी आपका होना चाहिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में भी मोर और लेस सेमी क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ठीक है। आपका एमएससी इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या तो एमसीए होना चाहिए, ठीक है, या तो एमई होना चाहिए या तो एमटेक होना चाहिए। अकाउंटेंट पोस्ट के लिए आपका एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपका कॉमर्स में एक डिग्री रहना चाहिए, ठीक है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इस पोस्ट के लिए आपका एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और आपका सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट रहना होगा, और उसके साथ आपका जो टाइपिंग स्पीड है 35 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए आपका, ठीक है, या तो हिंदी में आपको 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। लैब अटेंडेंट पोस्ट के लिए आपका एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आपका 10th यानी कि सेकेंडरी एग्जाम का एक पास सर्टिफिकेट रहना होगा, या तो 12th का साइंस स्ट्रीम का एक सर्टिफिकेट आपका रहना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ कुछ रिलैक्सेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन से कि अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी एनसीएल नॉन क्रिमिलियर से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का, ठीक है। ऐसे ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज में आपका जो एज का रिलैक्सेशन है वो आपको मिल जाएगा। चलिए अब अप्लाई कैसे करें, तो पहले आपको गूगल में जाके ईएमआरएस टाइप करना है, उसके बाद जो पहला टैब आएगा उसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो वेबसाइट इंटरफेस आएगा उसमें आपको टॉप राइट कॉर्नर में जाके लेफ्ट से 4th एंड राइट से 2nd जो टैब है वहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक इंटरफेस आएगा, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके आपको रिक्रूटमेंट का एक पार्ट दिखेगा, वहाँ आपको हर एक इम्पॉर्टेंट जो लिंक है अप्लाई करने के भी लिंक आपको मिल जाएगा, ये वाला पीडीएफ भी आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छे लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है, और ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी क्लिक करके रखिए, ताकि जब भी इस चैनल में ऐसे रिक्रूटमेंट रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन अपलोड हो तो आपके पास बहुत जल्द सबसे पहले
पहुंच जाए। ठीक है, वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक दे दीजिएगा, और मेरा एक्सेंट से आई होप आप थोड़ा मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर इंडल्जिंग मी। मिलते हैं फिर एक नए नोटिफिकेशन के साथ अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।